सिटी उदयपुर में चोरों के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। आए दिन चोरियों की वारदातें बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल होने के साथ साथ पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को भोपालपुरा क्षेत्र में मेहता भवन के बाहर दो बाइक चोर ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चुराने का प्रयास किया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वाहन मालिक रीना यदुवंशी ने बताया कि वह अपने दुकान से शाम को घर आई तो गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी। कुछ देर बाद जब वह घर से बाहर आई तो देखा कि उसकी गाड़ी गायब है। ऐसे में पहले स्कूटी को आसपास देखा तो नहीं मिली, उसके बाद घर के समीप लगे एक सीसीटीवी कैमरे में खंगाला तो उसमें दो बाइक सवार युवक आए, जिसमें एक युवक बाइक से उतरकर स्कूटी का लॉक तोड़कर ले जाने लगा, जबकि दूसरा कुछ देर वहीं रेकी करके फिर गया। ऐसे में स्कूटी चोर की स्वयं के स्तर पर तलाश की तो वंशी पान वाले के समीप वही चोर स्कूटी ले जाते नजर आया, जिसे मौके पर ही धर दबोच लिया गया। स्कूटी चोर को खुद वाहन मालिक ने पकड़कर भोपालपुरा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। संभवतया पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। मैं क्या शॉप से आई थी तो घर के बाहर मैंने कोठारी बन रही थी और रूप सागर से आई थी तो गाड़ी बाहर रखी और अंदर पार्किंग की जगह नहीं थी, मैंने बाहर ही खड़ी कर दी। बाहर खड़ी करके जैसे मैं अंदर गई और चाय पी के जब वापस आई कि मैं गाड़ी अंदर रख दूँ तो देखा तो गाड़ी गायब मिली और मेरे हस्बैंड घर पर थे नहीं। फिर उनको फ़ोन करके बुलाया, ये आए, इनका गाड़ी कहाँ गई तो आसपास में पहले हमने चेक किया कहीं इधर कोई ले जाके पटक तो नहीं दी। और जैसे फिर हमने देखा कब क्या करें तो सामने मैंने कहा कि एक यूनिक एम्प्लॉयर की शॉप है, मैंने कहा वहाँ कैमरे लगे हमें पता है, तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया भाई कि आप मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आ गए दोनों भाई तुरंत। और खोल के जैसे हमने उनके कैमरा ऑन किया तो देखा कि दो जने स्कूटी पे आए थे, कोठारी बन के बाहर खड़े रहे, फिर चारों तरफ देखा उन्होंने क्योंकि देख तो नहीं रहा, फिर उसमें से एक नीचे उतरा और उसने स्कूटी को रोक तोड़ा और फिर गाड़ी को शायद स्टार्ट नहीं हुई होगी तो वो पैदल खींच के पैदल पैदल ले जा रहा था। और जो दूसरा लड़का था वो 15 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा कि कोई आ तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा, उसके बाद में उसने गाड़ी स्टार्ट करके फिर वापस वो टर्न हुआ था। तो जैसे हमने देखा वो पैदल ले जा रहा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं थी, तो हमने दिमाग लगाया कि ज़्यादा दूर गया नहीं होगा क्योंकि 15 मिनट हुए अभी, तो पैदल पैदल ले जा के आदमी कितना दूर जाएगा। तो हमने कहा दो तीन गाड़ियाँ लेते, तुम दो तीन गाड़ी इधर घूमो हम इधर घूमते। तो मेरे और ये यूनिक एम्प्लॉयमेंट वाला लड़का है तो हम इधर अलीपुरे की तरफ इधर ढूंढने के लिए गए, मेरे साहब और ये बंसी पान वाले की तरफ गए, तो ये बंसी पान वाले के वहीं से टर्न हो रहा था, फिर पकड़ा और धोया तो जिसमें वो ये पैदल पैदल ही जा रहा था आदमी और उसके पीछे साथ वाला था वो शायद आजू बाजू में होगा रेकी कर रहा होगा, इसको पकड़ा और फिर इसको सबने पब्लिक भी इकट्ठी हो गई थी। फिर हमने भोपालपुरा थाने को फ़ोन किया, इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, तुरंत आ गए थे ये और 5 मिनट में ये लोग पहुंच गए और फिर इनको यहाँ लेके आए और मेरी गाड़ी की वापस लेके यहाँ पे अभी मैंने की। और इनके साथ में इसके अंदर पर्स में जब पब्लिक ने किया तो 3-3 मोबाइल अंदर प्राप्त हुए और इसका कोई रेलवे का टिकट भी है, क्या पता ये कहाँ से आया, क्या हुआ, बाहर का है, बाहर से भी आया, इसके अंदर उन मोबाइलों में काफ़ी पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें सारा दिख रहा। तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं इनके पीछे बहुत बड़ी गैंग है जो इतना बड़ा ये काम करवा रही है। गैंग तो बहुत बड़ी है इनके साथ पूरे, नो डाउट कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी गैंग का रैकेट का खुलासा होने वाला है और भोपालपुरा पुलिस तो पूरी हेल्प कर ही रही है, तो ये करेंगे खुलासा, तो अब जो भी होगा वो देखते हैं क्या होता है।